अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शफ़ी और आप देख रहे हैं शफ़ी गेमिंग यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो कि रोज़ रोज़ रियली रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, हमेशा की तरह हम आए हैं अपने शहर मिर्ज़ापुर, जहाँ के हम हैं किंग, अकलौते किंग। वहाँ पे कोई मुन्ना भैया नहीं है, कोई त्रिपाठी भैया नहीं है, कोई नहीं है। सबको मार के हम वहाँ के बने थे अकेले किंग। तो एज़ यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ज़ापुर आने का मज़ा ही तब आता है जब आप यहाँ सब को फिनिश करके मिर्ज़ापुर के बने किंग, यानी कि मिडिस्ट्रेन के। तो यहाँ पे यूँ हुआ था गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में अपन पढ़ ही लिया होगा कि 1 vs 8 बंदे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने आए थे, 2 से 3 स्क्वाड यहाँ पे आए थे। तो क्या होता है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा यार, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 1 vs 8, जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मैं यहाँ पे अकेला बंदा 2 क्लच करता हूँ यार, कसम से मज़ा आ गया। इस सीज़न का मेरा ये बेहतरीन मैच है कि एक ही मैच में 2 क्लच होते हैं। 2 क्लच मतलब बोले तो अकेले बंदे ने 2 स्क्वाड ख़त्म किए। जी जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आया। तो ये मज़ा आपको भी आना चाहिए, उसके लिए आपको ये मैच एंड तक देखना पड़ेगा। और पब्लिक थोड़ी सी ना, मुझे आपसे एक शिकायत है, शिकायत ये है कि व्यूज़ तो आ जाते हैं, ज़्यादा हैं थोड़े हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे ऐसे ये चीज़ तो चलती रहेगी, टाइम के साथ इंक्रीज़ होगी, लेकिन जितने व्यूज़ होते हैं कम से कम उतने लाइक्स भी तो होने चाहिए ना यार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक वीडियो पे मिनिमम 50 व्यूज़ आ रहे हैं तो 50 लाइक भी तो बनते हैं। ये मुझे गिला है, प्लीज़ ये दूर कीजिए। ये देखें जी, एक ये दो, एक ही मतलब स्प्रे में दोनों बंदे एक ही रिलोड में। हालांकि अभी भी एक में आप देख सकते हैं कि 4 गोलियां मेरी बच गई हैं, और इन दोनों को फिनिश करने के बाद मुझे पता है नीचे से एनमी आएंगे। वो देखें, नीचे से एनमी, इसलिए थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल किया और ये हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि मुझे हील करना थी। मैं सोलो खेल रहा था, एक ही गोली में काम हो जाना था, तो इसलिए ये सेफ़ जगह है। यहाँ हील करने के लिए मैं आया, उसके दोनों टीममेट ऊपर चले गए। क्या पता नहीं बंदा कहाँ, आप सोच रहे होंगे कहाँ गया, हैकर बोलते हैं, है ना गाइस। अब बेचारे परेशान होंगे कि बंदा यहीं तो था, उनके टीममेट चिल्ला चिल्ला के कह रहे होंगे अबे यहीं है, अबे यहीं है, लेकिन वो भी सच्चे हैं कि उनको नहीं मिल रहा। तो खैर, यहाँ पे और बंदों की भी फाइट हो रही थी। ये आए दोनों, आए हाय हाय हाय, पब्लिक मज़ा आ गया, अरबी थे। तो यार यहाँ पे ये था कि मैंने देखा कि दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, हालांकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब हाथ में AKM हो तो बाबा जी फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, मैंने इन दोनों पे अटैक कर दिया, रश मैंने ही किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं वो दोनों सीढ़ियों पे खड़े थे, मैं ही बाहर निकल के, तो मैंने इन दोनों को ले लिया, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट एक्स्ट्रा की थी जो कि क्राउड था। ये देखें, यहाँ पे आई थिंक बोर्ड था या जो भी था, इसके पाँव नज़र आए तो मैंने इसको यहीं से नॉक और फिनिश कर दिया। तो पब्लिक, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मूवमेंट किया करो। तो यहाँ ये दो बंदे थे, ये मेरे ख्याल में बोर्ड था, फिर ये पता नहीं क्या था, वैसे बोर्ड था तो इसे मेरे रूम में आना चाहिए था, वट एवर। तो अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मूवमेंट करेंगे तब ही आप बच पाएंगे, वरना वो दो थे और दोनों ही मुझ पर गोलियाँ चला रहे थे। लेकिन क्राउच इन क्राउच आउट मैं कर रहा था, ये एक एक्स्ट्रा मूवमेंट थी जिसकी वजह से मैं बच गया। तो गाइस, इस बंदे पे मैं करता हूँ फायर, लेकिन जो साइडों वाले होते हैं ये इनके हथे चढ़ जाता है और मेरे हिस्से में सिर्फ इसको डैमेज देना ही आता है। तो खैर बाबा जी, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो एक क्लच हुआ है। जी अभी होगा दूसरा क्लच। वीडियो को मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, अकेला था बिल्कुल, तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा आसान तरीके से नहीं खेल सकता था कि निकल निकल के उनको मारूं, इसलिए मैं जो पूरा कवर में रहना था वेट वेट करके खेल रहा था। ये एक बंदा आया, इसे किया फिनिश, डैमेज दिया, तो नॉक नहीं हुआ, लेकिन अब ये देखना ये कितने गजब गजब के तरीके से होगा। वो देखें, सेम उसी जगह पे आई थिंक ये वही क्रेट लूट रहा था या पता नहीं अपनी हील कर रहा था। तो इसके बाद ये देख रहे हैं, मैंने AKM को रिलोड पर नहीं डाला, गन स्विच की, मैंने गन स्विच करके इसका दूसरा बंदा नॉक कर दिया, क्योंकि अगर ये बंदा चला जाता और वो एक भी रिवाइव हो जाता तो मेरे लिए मसला हो जाता था। तो ये तीसरा बंदा था, ये दोनों उधर ही थे, इसको AKM से डैमेज दे रहा था। ये देख रहे हैं, गन स्विच करनी है गाइस, गन को रिलोड पे नहीं डालना, रिलोड पे गन जाती ये बंदा इस दीवार तक पहुंच जाता जहां अब ये नॉक होके पहुंचा है। अब इनका आखिरी बंदा रह गया था,
और वो इस गाड़ी के पीछे था, इसको मैंने दिया डैमेज, लेकिन वो यहाँ पे। अब ये देखें गन में, आप काइंडली थोड़ा सा मूवमेंट और ये और गन का आप देखा करें कि मैं कैसे इसको रिलोड पे डालता हूँ या गन स्विच करता हूँ। जिस तरह यहाँ भी मैंने गन रिलोड पे नहीं डाली बल्कि गन स्विच की है, क्योंकि आखिरी बंदा था, अगर ये बंदा निकल जाता तो ये सबको रिवाइव कर देता। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि यहाँ से इसका थोड़ा सा हेड नज़र आ रहा था जो कि 3x में आ गया, और इस तरह ये स्क्वाड भी हो गया वाइप। बाबा जी मुल्तान बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, चवला मारते। तो खैर वट एवर, यहाँ दो स्क्वाड कर दिए थे फिनिश, और वन वर्सेस एट हुआ था कंप्लीट, ये आई थी बोल गया। तो AKM आपको पता है जब आप चलाते हो तो आपको पूरा मैच दिखा, पूरा आपको ना मैप दिखा देती है, मतलब पूरा जो मैप होता है ना, इतना इसका रिकॉयल होता है हिल हिल के कि आपको पूरा एरिया दिखा देती है। खैर यहाँ अब एफिशिएंसी भी तो बनती है ना बाबा जी, तो 8 बंदे मारे थे, हमें थोड़ी ना था, तो एक इमोट किया। तो इसके बाद यहाँ मुझे साउंड आ रहा था कि बंदे हैं, लेकिन बंदे इन घरों के पीछे थे। एक बार मुझे वैसे नज़दीक से साउंड आया था कि मे बी इस घर में कोई बंदा हो, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता, होता है तो निकल जाता है, वट एवर जो भी था। तो यहाँ पे 6x लगाएंगे क्योंकि मुझे पता था कि अब दूर की फाइट है, बंदे रहने वाले हैं दूर। तो यहाँ पे दो बंदे होते हैं जिन्होंने 100 RP वाले ड्रेस पहने होते हैं, ये बंदे लॉबी में भी मुझे मिलते हैं। ये है एक, इसका ये दूसरा टीममेट है, दोनों ने 100 RP वाले ड्रेस पहने होते हैं, और आई थिंक ये डुओ वर्सेस स्क्वाड ही खेल रहे होते हैं ये जो भी था। तो मैं इतनी दूर से इनको डैमेज तो दे पा रहा था, ये देखें दोबारा हुआ डैमेज, लेकिन नॉक नहीं हो पा रहा था, और जब नॉक होता है तो किल चोरी हो जाता है। खैर इन पे पूरा का पूरा मेरा फोकस था। वो आप देखें कितनी दूर से 6x चल रहा है, M4 का 6x भाई क्या ही बात। ये वहाँ किसी और से फाइट ले रहे थे, तो मैं इनसे बेसिकली कर तो मैं थर्ड पार्टी रहा था, सोच रहा था कि बटेर नहीं। खैर एक किल मुझे मिलता है, लेकिन इतने बंदों में से एक किल मेरा आया नहीं। ये नॉक हुआ लोफक, इसका नाम था, दूसरे को डैमेज दिया लेकिन वो बच गया, मुझसे बच गया, लेकिन आई थिंक वो दूसरे एक दूसरे को आपस में लड़ लुड़ के मार देते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या था यार, वो दोबारा रिवाइव हो जाता है या क्या सीन होता है। इसी लोफक को मैंने पहले किल किया था, दूसरा बंदा पीछे से भाग के आ रहा था, मैंने कहा कोई और है, लेकिन ये वही लोफक कर भी था, और यही दोबारा किल भी हो गया। पता नहीं ये रिवाइव हो गया था या क्या था, मुझे तो ये 6x में भागता हुआ नज़र आ रहा था। खैर ये आखिरी बंदा था, इसने मुझे मतलब बहुत दौड़ाया था, आखिरी बंदा था, वीडियो की ट्रीम। और यहाँ देखें इससे फाइट, यहाँ मैं इसको नेट से मार सकता था, मेरे पास 3 नेट थे, ये एक नेट से मुझे लगता है कि ये डैमेज हुआ था, क्योंकि बाद में इसे सिर्फ 2 ही एमओ पड़ती हैं सॉरी। तो यहाँ और भी मैं नेट कर सकता था, लेकिन मैं इसे गन फाइट लेना चाह रहा था ताकि पब्लिक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो ये किया बाहर जंप, और ये देखिए आज का मूवमेंट देख रहे हैं, लगी तो उसे एक ही दो है, लेकिन उसे बुलेट कनेक्ट होने के फौरन बाद मैं प्रोन हो गया था। तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए, कीप स्माइल कीप हैप्पी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।